हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ममता सिंह, दिस इज क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस. ओके, इन साइंस विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग ऑन. ओके, सो स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डन पेज नंबर 6. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू पेज नंबर 7. ओके, लेट्स ट्राई टू. व्हाट वी आर फर्स्ट वी विल डू, लेट्स ट्राई टू. ओके, in this what you have to do is that identify and draw the missing components in this food chain. This is a food chain. Okay, so what should come here in this blank? What should come? What diagram you have to draw? Okay students, you have to, here you can see lion eat a cow. Okay, and what does cow eat? Cow eat plant. Okay, so you have to draw a diagram of a plant. Okay, what you will draw here? Plant. Okay, so this is about the food chain. Okay students, now come to the let's learn new words. Okay, already you have done all this. Again I am repeating all these new words. Okay student, you have to learn all these new words. Okay, so number 1 is photosynthesis. Okay, what is photosynthesis? The process by which green plants prepare their own food, that is called photosynthesis. Okay, number 2 is chlorophyll. What is chlorophyll? The green color substance present in leaves. You know that already, I have explained in the chapter so many times. Next is stomata. Tiny openings on the lower surface of a leaf which help in the exchange of gases. Okay, this is a part of a leaf. Stomata is a part of a leaf. It present on the lower surface of a leaf. Okay, which help the leaves to exchange the gases. Number 4 is food chain. The flow of energy in the form of food from green plants to herbivores then to carnivores. Okay student, just now only I have explained about the food chain also. Okay, now come to the let's remember. Okay, some points again we are going to remember. Number 1, I am green in color. I have different shapes and size. Do you know my name? What is this? This is a leaf. Okay, leaf is in green color. It has a different shape and sizes. Number 2, I make food for the plant. I use sunlight to make food. I also need chlorophyll and water to make food by the process of photosynthesis. I prepare oxygen gas and a type of sugar called glucose. तो ये चीज़ भी कौन सा पार्ट करता है? प्लांट का लीफ पार्ट करता है. लीफ में ही क्या होता है? प्लांट का फूड बनता है. ओके, नेक्स्ट इज आई ऑल्सो मेक फूड फॉर ऑल द एनिमल्स. माई फूड इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. आई हेल्प द प्लांट मेक फ्रूट्स लाइक लीव्स एंड ऑरेंजेस फॉर यू. डू यू ईट कैरेट्स? हेल्प द प्लांट्स मेक देम टू. ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है? आई ऑल्सो मेक फूड फॉर द ऑल एनिमल्स. फूड कहाँ पर बनता है? प्लांट के लीव्स पार्ट में बनता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, डू यू लाइक प्लेइंग इन पार्क्स? क्या आपको पसंद है पार्क में खेलना? आई क्लीन द एयर इन योर पार्क्स बाई गिविंग आउट ऑक्सीजन. तो ये वाला काम भी कौन सा पार्ट करता है प्लांट का? लीफ करता है. लीफ क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. ओके, और जो एयर को क्या करते हैं? क्लीन रखते हैं. नेक्स्ट इज, आई फील सो हैप्पी वेन स्मॉल चिल्ड्रन लाइक टू कम एंड प्ले इन द पार्क्स. मुझे बहुत खुशी होती जब जो छोटे बच्चे होते पार्क में आके खेलते हैं, है ना. आई ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स लाइक काउ गोट एंड बफेलो. मैं फूड भी प्रोवाइड करती हूँ एनिमल्स को, जैसे कि काउ गोट और बफेलो. ओके, आई एम यूज एज ए हर्ब्स एंड मेडिसिंस. मुझे उसको हर्ब्स और मेडिसिंस के रूप में भी यूज किया जाता है. समटाइम्स आई एम ऑल्सो
यूज़ एज ए यूटेंसिल, समटाइम मुझे यूटेंसिल यानी कि बर्तन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? लीफ। ओके, नेक्स्ट इज आई ऑल्सो इंडिकेट द चेंज इन सीजन बाई चेंजिंग माई कलर फ्रॉम ग्रीन टू येल्लो। सीजन में चेंज करती है कलर। ओके, पहले वो ग्रीन होती है, ग्रीन से फिर वो येल्लो हो जाती है। तो कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसका कलर ग्रीन से येल्लो में चेंज होता है सीजन्स में? डैट इज़ लीफ। ऑल दिस पॉइंट्स आर अबाउट द लीफ। दिस यू कैन से डेट दीज आर द फंक्शंस ऑफ ए लीफ ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट वन इज लेट्स ट्राई टू। यू हैव टू डू ऑल दिस एक्सरसाइजेस इन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए, मशरूम्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। व्हाट यू विल राइट हियर? फॉल्स, एफ ए एल एस ई, फॉल्स। ओके, बी, एनिमल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स। यस, दिस इज ट्रू। व्हाट यू विल राइट हियर? ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू। ओके, नंबर सी, कैरोटन इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। दिस इज ट्रू। ओके, कैरोटन इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। ओके, नाउ कम टू द डी, लीव्स ऑफ कैक्टस प्रिपेयर्ड फूड फॉर द प्लांट्स। नो, दिस इज फॉल्स। स्टेम ऑफ ए कैक्टस प्रिपेयर्ड फूड फॉर द प्लांट। ओके, नाउ ई, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ईच अदर टू सर्वाइव। यस, बोथ आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ओके, सो डेट्स वाई दिस इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस ट्रू एंड फॉल्स। नाउ कम टू द लेट्स ट्राई फोर, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, कैक्टस प्रिपेयर इट्स फूड इन इट्स। कैक्टस प्रिपेयर इट्स फूड इन इट्स स्टेम। वॉट यू विल राइट हियर? स्टेम, एस टी ई एम, स्टेम। ओके, नाउ बी, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एस टी ए आर सी एच, स्टार्च। वॉट यू विल राइट इन द ब्लैंक? स्टार्च। नाउ कम टू द सी, पटैटोस पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ आयोडीन सोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इन द सी, वॉट यू विल राइट हियर? एस टी ए आर सी एच, स्टार्च। इन सी यू हैव टू राइट स्टार्च। Now come to the D. Dash is the gas which is essential for photosynthesis. Okay, so what you will write in the D? Carbon dioxide. Carbon dioxide is CARBON. Carbon DIOXIDE. Carbon dioxide. Okay, students. Now come to the E part. Exchange of gases in the leaves take place through the stomata. What you will write in the blank? Stomata. S-T-O-M-A-T-A. Stomata. Okay, student. Now come to the let's try 5. Okay. Give one word or a phrase for the following statements. Okay, students. A, name a non-green plant. Non-green plant is a croton. Okay, so in A, what you will write? C-R-O-T-O-N. Okay, what you will write here? C-R-O-T-O-N, croton. Okay, now come to the B. Name the process through which green plants prepare their food. I hope you know this answer, that is photosynthesis. Okay, what you will write in B? Photosynthesis. P-H-O-T-O, photo,
PHOTOSYNTHESIS photosynthesis. In B, what you will write? Photosynthesis. Okay. Now, come to the C. Name the gas released as an end product of photosynthesis. Name the gas. Which gas it is? It is oxygen. 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 Okay, students. Now, come to the D. It is the flat and broad part of a leaf. What you call? Leaf blade. In D, what you will write? Leaf blade. L-E-A-F. Leaf. B-L-A-D-E. Blade. Leaf blade. Okay, students. Now, come to the E part. It is the ultimate source of energy on earth for all living beings. Ultimate source of energy on the earth for all living beings is sun. S-U-N. Sun. Okay, students. So, you have to do all these exercises in your book. Okay, students.